कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमकर केंद्र सरकार पर बरसे। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। कश्मीर में जो चल रहा है उसको लेके गुस्सा है और उसको लेके चिंता है और उसको लेके दुख है दोस्तों। कश्मीरी पंडितों को चुन चुन के मारा जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है। आज फिर से कश्मीरी पंडित अपनी जन्मभूमि छोड़ने के लिए, पलायन करने के लिए फिर से मजबूर हो गए हैं। एक बार 1990 में हुए थे और एक बार अब फिर से वो पलायन करने के लिए मजबूर हो गए, अपना घर छोड़ के जा रहे हैं। और वो लोग चिंतित हैं, दुखी हैं। जब वो इसके विरोध में सड़क पे प्रदर्शन करते हैं तो आज की वहां मौजूदा भाजपा सरकार उनको प्रदर्शन करने के लिए भी अनुमति नहीं देती। उनकी जो कॉलोनियां है, कॉलोनियों के बाहर ताला लगा दिया जाता है, उनको उनकी कॉलोनियों के अंदर बंद कर दिया जाता है। ये किस तरह का बर्ताव है? ऐसे वक्त जब सरकारों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसे वक्त जब सारा देश उनके साथ खड़ा है, सरकार अगर इस तरह से अपने ही लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव करेगी तो आदमी का दुख दुगना हो जाता है। आज भाजपा की सरकार एक ही चीज मांग रहे हैं कश्मीरी पंडित, और कुछ नहीं मांग रहे तुमसे। वो कह रहे हैं हमारी सुरक्षा का इंतजाम करो। जब आप हमको वापस लेके आए थे कश्मीर में, आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि हम आपकी सुरक्षा देंगे, आपको दोबारा पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज केवल एक ही बात मांग रहा कश्मीरी पंडित कि हमें सुरक्षा का इंतजाम करो, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम रही है। तो वहीं इस मौके पर आपके वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने भी सरकार की खूब आलोचना की है। कश्मीरी भाई बहन, कश्मीरी पंडित भाई बहन, जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की लापरवाही की वजह से, और मैं बल्कि कहूंगा कि उनकी घटिया राजनीति और साजिश की वजह से आज फिर से गोलियां चल रही हैं, जिनका कश्मीर में रहना जीना मुश्किल हो गया है, उनके साथ उनके सम्मान में उनके प्रति संवेदना प्रकट करते हुए उनके कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला के साथ खड़े हुए कि आप हमारे भाई बहन हैं, आप पे अगर आंच आती है तो दर्द हमको भी होता है, उस दर्द में शामिल होने के लिए हम पहली बात यहां खड़े हुए हैं। और दूसरा, केंद्र की गहंगी गूंगी बहरी सरकार को, आंख बंद करके मजे ले रही सरकार को यह चेतावनी देने के लिए कि कश्मीरी पंडितों का ये नरसंहार जो आप लोग वहां करा रहे हो, केवल प्रचार किया कि साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं कश्मीर में, अच्छा कर रहे हैं कश्मीर में, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आज पूरे के पूरे कश्मीर में माहौल वही, पूरी की पूरी घाटी में माहौल वही 1990 वाला हो गया है, जब कश्मीर के लोगों को, मैं इत्तेफाक से उस वक्त जम्मू में था 1990 में, जब कश्मीर से लोग वापस आके जम्मू में टेंटों में रह रहे थे, आज वापस वही हालात आ गए। 80% कश्मीरी अपने अपने घरों पे, अपने अपने जो जहां भी वो रहते थे घरों में ताला लगा के, गांव में शहर में ताला लगा के जम्मू के कैंपों में आ गए हैं, पंजाब आ रहे हैं, दिल्ली की तरफ चल रहे हैं। आज जरूरत है कि एक तरफ हम अपने कश्मीरी पंडित भाई बहनों को जोरदार आवाज देके ये कहें कि आपके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसकी टीस हम समझ रहे हैं और हम आपके साथ खड़े हैं, और दूसरा इस गूंगी बहरी सरकार को हम ये मैसेज दें कि खबरदार, अगर कश्मीर के हालात को नहीं संभाला तो आप खुद को भी नहीं संभाल पाओगे, आप कुर्सियों को नहीं संभाल पाओगे। इस मौके पर शिवसेना नेता संजय राउत ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर एक बार फिर जल रहा है और हमारी सरकार फिल्म के प्रमोशन में लगी हुई है। शिवसेना नेता ने कहा, कश्मीर की स्थिति नियंत्रण से बाहर चली गई है। कश्मीरी पंडित और हिंदू समाज के साथ साथ मुस्लिम भाई जो देश की सुरक्षा का काम करते हैं उनकी भी हत्या हो रही है। कश्मीर के हजारों पंडित अब घाटी छोड़कर अपने ही देश में निर्वासित हो रहे हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।